मैं हुमाना से आरआरसी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। किसानों के लिए इंसाफ को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर धड़के किसान। सस्ते में सोना देने का लालच देकर ठगने वाली टोली गिरफ्तार। एम्बुलेंस व ट्रक के बीच भिड़ंत, चार की मौत, पांच गंभीर रूप से घायल। स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए महापौर ने आयोजित की बैठक। राजस्व विभाग की कार्रवाई में चार मोटरबोट समेत पोकलेन मशीन जब्त। किसानों की विविध जायज मांगों को लेकर पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के नेतृत्व में किसान जागर मंच की ओर से जिलाधिकारी कार्यालय पर भव्य मोर्चा निकाला गया। समर्थन मूल्य पर किसानों की उपज पूरी की पूरी सरकार से खरीदने, संपूर्ण कर्ज माफी देने समेत विभिन्न मांगों को लेकर पूर्व अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा के नेतृत्व में शेतकरी जागर मंच की ओर से अकुला के गांधी जवाहर बाग से आज सोमवार को सुबह 10 बजे जिलाधिकारी कार्यालय पर किसानों का भव्य मोर्चा निकाला गया। गांधी जवाहर बाग स्थित महात्मा गांधी व पंडित जवाहरलाल नेहरू के पुतले को अभिवादन करते हुए यह मोर्चा आरम्भ हुआ। एक खुली जीप में आगे पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा सवार थे, जबकि पीछे शेतकरी संगठना के शंकरराव धोंडगे, रविकांत तुपकर, गजानन अहमदाबादकर, दत्ताजी पवार, प्रशांत गावंडे समेत अन्य मान्यवर उपस्थित थे। इस मोर्चे में शामिल सैकड़ों किसानों ने गुलाबी फल इल्ली के प्रकोप से नष्ट हुई कपास के पौधे अपने साथ लाए थे। समर्थन मूल्य पर पूरा का पूरा कृषि उत्पाद खरीदने की जिम्मेदारी सरकार की है, जिसे उसे पूरी करनी चाहिए। इसी मुद्दे पर केंद्र व राज्य सरकार को घेरने तथा महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश के किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए यह भव्य मोर्चा शेतकरी जागर मंच की ओर से पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के नेतृत्व में निकाला गया। जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा पहुंचने के बाद जिलाधिकारी को किसानों की मांगों का निवेदन सौंपा गया। इस मोर्चे में जिले के ही नहीं बल्कि पश्चिम विदर्भ के किसान सपत्नीक तथा अपने परिजनों के साथ शामिल हो गए थे। मोर्चे के दौरान कुछ गड़बड़ियां ना हो, इसलिए पूरे मोर्चा मार्ग पर तगड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात था। सस्ते में सोना देने का लालच देकर प्रतिष्ठित नागरिकों को ठगने वाली टोली को विशेष पुलिस पथक द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने दो फर्जी प्लस को भी गिरफ्तार किया है। सस्ते में सोना देने के नाम पर प्रतिष्ठित नागरिकों को ठगने वाली टोली पुलिस की सतर्कता के चलते गिरफ्तार हो गई है। पिंजर मुर्तिजापुर मार्ग पर पुलिस ने बिछाए हुए जाल में यह टोली फंस गई है। पिंजर परिसर में 1 से 2 किलो सोना सस्ते में बेचना है, यह लालच दिखाकर कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों के साथ ठगी किए जाने की जानकारी पुलिस को मिली थी, जिसके चलते जिला पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गठित विशेष पुलिस पथक के प्रमुख हर्षराज अलसपुरे ने अपने सहयोगी पुलिस कर्मचारियों की सहायता से पिंजर मुर्तिजापुर मार्ग पर जाल बिछाया था। पुलिस की ओर से ही एक फर्जी पार्टी बनाकर सस्ते में सोना बेचने वाले ठगों से संपर्क किया गया था। जैसे ही इस ठगने वाली टोली के कुछ सदस्य सोने का नमूना साथ लेकर आए थे, वैसे ही पहले से ही वहां उपस्थित पुलिस ने इन चार ठगों को गिरफ्तार किया, जिसमें से दो ठग फर्जी पुलिस बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इन आरोपियों से नमूने के रूप में लाए सोने के सिक्के, 3 मोटरसाइकिल व 4 मोबाइल जब्त किए हैं। पुलिस ने इस कार्रवाई में वड़गांव निवासी राजू राठौड़ व गजानन गीते समेत अन्य दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस टोली ने किन किन प्रतिष्ठित नागरिकों को ठगा है, इसकी जांच पुलिस कर रही है।
इस कार्रवाई को लेकर विशेष पुलिस पथक के एपीआई हर्षराज लसपुरे ने जानकारी दी। मी काही गोष्टी व्हेरीफाय केल्या आणि व्हेरीफाय करून आज आपण त्यांना सकाळी पिंजर मूर्तिजापूर रोडवर ट्रॅप करून पकडले। किती आरोपी आहेत याच्यामध्ये? टोटल 4 आरोपी आहेत। तर नेमकी घटना काय होती? ही थोडी असा बनाव करायची की आमच्याजवळ सोना आहे 2 ते 2.5 किलो आणि त्यासाठी हे एखादी मोठी पार्टी शोधत होते। आपणच एक डुप्लिकेट पार्टी आपण तयार केली आणि ती यांना पाठवली याच्याजवळ। नंतर हे सर्वजण एकत्र आल्यावर आपण यांना अरेस्ट केलं। दरोडेखोरांची एक टोळी सक्रिय असल्याची माहिती आम्हाला मिळाली। त्यानुसार आपण 3 दिवसापासून त्यांच्यावर पाळत ठेवून होतो। त्यामध्ये 2 दोताया पोलीस पण होते। त्यांना आपण आज सकाळी ट्रॅप लावून अरेस्ट केलेलं। नागपुर के समीप विरुद्ध दिशा से आने वाले ट्रक व एम्बुलेंस के बीच हुई जबरदस्त भिड़ंत में 4 की दर्दनाक मौत हो गई जबकि 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। यह सभी मृतक आगर गांव के रहने वाले हैं। नागपुर के वाड़ी पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले 8 मील के समीप विरुद्ध दिशा से आने वाली एम्बुलेंस व ट्रक के बीच हुई भिड़ंत में 4 की मौत जबकि 5 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी मृतक अकुला जिले के आगर गांव के निवासी हैं। आगर निवासी भालेराव परिवार एक मरीज पर उपचार करने हेतु नागपुर के लिए एम्बुलेंस के जरिए जा रहे थे। इस एम्बुलेंस में ड्राइवर समेत कुल 9 जन सवार थे। नागपुर से थोड़ी ही दूरी पर 8 मील के पास विरुद्ध दिशा से आने वाले ट्रक ने इस एम्बुलेंस को जोरदार टक्कर मार दी। यह भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए थे। एम्बुलेंस में सवार आगर निवासी आकाश भालेराव, प्रमोद बण, विमल भालेराव व श्रीराम धार पवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि किसान बावने, ईश्वर मुदगल, रामेश्वर भालेराव, लक्ष्मी बावने, अंबादास बावने गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार हेतु नागपुर रेफर किया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही वाड़ी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी। घटना की जानकारी आगर गांव में फैलते ही पूरे गांव में शोक की लहर तोड़ गई थी। गांव के कई नागरिक नागपुर के लिए रवाना हो गए थे। स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए महापौर विजय अग्रवाल के दालन में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए उपस्थित अधिकारियों को योग्य निर्देश दिए गए। अकोला महापालिका की हद में आने वाले कुछ परिसरों में अचानक सुअरों का मरने का प्रमाण बढ़ गया है, जिसे देखते हुए महापौर श्री विजय अग्रवाल के दालन में मनपा के स्वास्थ्य विभाग, वैद्यकीय विभाग, मलेरिया विभाग व कोणवाड़ा विभाग के विभाग प्रमुखों के साथ शहर में स्वाइन फ्लू की बीमारी की रोकथाम के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक के दौरान महापौर ने मोबाइल के जरिए शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय के डीन व जिला शल्य चिकित्सक के साथ चर्चा की। साथ ही पशु वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर नम्रता बाबुलकर व जिला उपायुक्त पशु संवर्धन के डॉक्टर वीबी भोजने के साथ चर्चा की गई। मरे हुए सुअरों का पोस्टमार्टम करते हुए उनकी मौत का कारण क्या है इस बात की जांच करना, परिसर में स्वच्छता अभियान चलाना, औषधों का छिड़काव करना, मृत सुअरों को योग्य तरीके से दफन करना आदि को लेकर इस बैठक में निर्देश दिए गए। इस बैठक में उपमहापौर शेलके समेत अतिरिक्त आयुक्त दीपक पाटिल, उपायुक्त संजय खड़से समेत मनपा के पार्षद, स्वास्थ्य निरीक्षक आदि उपस्थित थे। कुत्रा मरण्याचं प्रमाण हे वाढलेलं आहे, त्या अनुषंगाने आम्ही आज आमचे सगळे डॉक्टर्स आणि सफाई विभागाचे सगळे अधिकारी बोलावले होते। यामध्ये आज ते डुक्कर आम्ही पोस्टमार्टम करायला पाठवणार आहे आणि त्यानंतर त्याच्यामध्ये काय कारण आहे ही दिशा आम्हाला समजल्यावर त्याच्यावर इतर उपाययोजना करू। परंतु आज सगळ्या अधिकाऱ्यांनी जे त्यांना निर्देश दिलेले आहेत किंवा ते डुकरं 10-12 फुटाचा खड्डा करून त्याच्यात चुना मीठ टाकून त्यांना गाळावं आणि स्वाइन फ्लूचा याच्या डुकराचा काहीच संबंध नाही आहे। मी सगळ्या डॉक्टरांशी चर्चा केली की डुक्कर आणि स्वाइन फ्लू याचा काही संबंध नाही आहे। स्वाइन फ्लू माणसापासून माणसाला होते असं सिद्ध झालेलं आहे। H1N1 या अशा पद्धतीनं त्याचं नाव आता वर्गीकरण झालेलं आहे। परंतु या डुकराचा पोस्टमार्टमचा रिपोर्ट आल्यावर याची लाईन ऑफ ॲक्शन आम्ही ठरवणार आहे आणि काळजीपूर्वक या शहरामध्ये कोणताही प्रादुर्भाव कुठे होऊ नये, साफसफाईच्या माध्यमातून, मलेरिया विभागाच्या माध्यमातून या सगळ्या कामावर नियंत्रण करण्याचं काम आम्ही करतो।
कुरहा काकुड़ा के समीपस्थ बहने वाली पूर्णा नदी के पात्र से अवैध रेत उत्खनन करने वाले रेत माफियों पर कार्रवाई करते हुए राजस्व विभाग ने 4 मोटरबोट समेत एक पोकलेन मशीन जब्त करने की कार्रवाई की है। मुक्ताई नगर तहसील अंतर्गत आने वाले कुरहा काकुड़ा गांव के समीपस्थ पूर्णा नदी के पात्र से बड़े प्रमाण में दिन रात रेत का अवैध उत्खनन चल रहा था। रेत माफियों की ओर से बाकायदा मोटरबोट व पोकलेन मशीन की सहायता से दिन रात रेत का उत्खनन किया जा रहा था। राजस्व विभाग के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत के चलते यह अवैध रेत का उत्खनन किया जा रहा था। इन रेत घाटों की नीलामी न होने के बाद भी सैकड़ों ब्रास रेती का उत्खनन इन रेत माफियों ने किया था। पिछले कई माह से नदी पात्र में मोटरबोट की सहायता से रेती निकाली जा रही थी। इन रेत माफियों के खिलाफ बढ़ती शिकायतों को देखते हुए मुक्ताई नगर के तहसीलदार रचना पवार ने यहां अपने कर्मचारियों के साथ आकर रेत माफियों को रंगे हाथ पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन तहसीलदार का पथक आने के पहले ही इन रेत माफियों को कार्रवाई की भनक मिलने से सभी रेत माफिया व रेत निकालने वाले मजदूर सभी साहित्य वही छोड़कर भाग गए थे। इस कार्रवाई में तहसीलदार के पथक ने 4 मोटरबोट व पोकलेन मशीन व रेत छानने की छलनियां आदि माल जब्त किया है। इस कार्रवाई को लेकर तहसीलदार रचना पवार ने आरआरसी न्यूज को जानकारी दी। पूर्णा नदी के पात्र से दिन रात किए जा रहे इस अवैध रेत उत्खनन को रोकने के लिए राजस्व विभाग द्वारा परिसर में निरंतर कार्रवाई करनी चाहिए, इस तरह की मांग नागरिक कर रहे हैं। आरआरसी न्यूज के लिए रवि गोरे, मुक्ताई नगर। कोराडा भागात अवैध उत्खनन होत असल्याबाबतचा मला फोनद्वारे तक्रारी प्राप्त झाल्या। काल रात्री मला 2-3 फोन आले, तर मग मी तातडीने इकडे यायचं नियोजन केलं। त्या अनुषंगाने माझ्या पूर्ण पथकासह मी इथं दाखल झाली। परंतु या घटनेचे बहुतेक इथल्या लोकांना अगोदरच सुगावा लागला आणि ते निघून गेले। पण तुम्ही बघतात इथं जे साहित्य आहे ते आम्ही उद्ध्वस्त केलेलं आहे आणि यापुढेही अधिक तीव्रतेने कारवाई करण्यात। शहर में आयोजित किसान मोर्चे को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने तगड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया था। समर्थन मूल्य पर पूरा का पूरा कृषि उत्पाद खरीदने की जिम्मेदारी सरकार की है, जिसे उसे पूरी करनी चाहिए। इसी मुद्दे पर केंद्र व राज्य सरकार को घेरने के लिए अकुला के गांधी जवाहर बाग से लेकर पूर्व केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा के नेतृत्व में क्षेत्रीय जागर मंच की ओर से जिलाधिकारी कार्यालय पर किसानों का भव्य मोर्चा निकाला गया था। इस मोर्चे के दौरान किसी भी तरह की अनुचित घटना ना हो तथा किसी भी तरह की गड़बड़ियां ना हो, इसलिए पूरे जिलाधिकारी कार्यालय के सामने तगड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया था। जिलाधिकारी कार्यालय से लंबी दूरी पर बैरिकेड्स लगाकर रास्ता बंद किया गया था। जिलाधिकारी कार्यालय के भीतर जाने वाले हर व्यक्ति की पुलिस द्वारा तलाशी ली जा रही थी। जिलाधिकारी कार्यालय के दोनों प्रवेश द्वार के सामने तगड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात था। जिलाधिकारी कार्यालय के लोकशाही सभागृह में आयोजित पालक मंत्री के जनता दरबार में अपनी समस्याओं को लेकर बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। आम नागरिकों को उनकी समस्याएं निपटाने हेतु शासकीय कामकाज में आने वाली समस्याएं दूर करने के लिए पालक मंत्री द्वारा हर सोमवार को जनता दरबार का आयोजन किया जाता है। जिलाधिकारी कार्यालय के लोकशाही सभागृह में सुबह 11 बजे जनता दरबार का आयोजन किया गया। पालक मंत्री का दरबार रहने के कारण इस दरबार में सभी विभाग प्रमुख उपस्थित रहते हैं। इस जनता दरबार के कारण नागरिकों को उनकी समस्याएं सुलझाने के लिए बढ़िया मौका उपलब्ध हो रहा है। इस कारण पिछले माह से आयोजित इस जनता दरबार को नागरिकों का उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिल रहा है। प्राप्त शिकायतों के अनुशंग से शिकायतदारों की समस्या से रूबरू होकर पालक मंत्री तुरंत वहां उपस्थित अधिकारियों को समस्या निपटने के निर्देश देते हैं। हर पखवाड़े में जनता दरबार में सुलझाई गई सभी समस्याओं का जायजा भी पालक मंत्री लेते हैं। आज संपन्न हुए जनता दरबार में पालक मंत्री डॉ. रंजीत पाटिल समेत जिलाधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी समेत सभी विभाग प्रमुख उपस्थित थे। शासकीय दूध डेयरी के सामने एक मारुति कार ने मोटरसाइकिल व ऑटो को उड़ाने के कारण इस रास्ते का यातायात थोड़ी देर के लिए बाधित हो गया था। शहर के शासकीय दूध डेयरी के सामने स्थित कृष्णा गार्डन में आयोजित एक विवाह समारोह में शामिल होने आए बारातियों की एक मारुति कार ने एक ऑटो व एक मोटरसाइकिल को उड़ाने के कारण रास्ते का यातायात थोड़ी देर के लिए बाधित हो गया था। सदैव से इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन ऑटो रिक्शा व मोटरसाइकिल का बड़ा नुकसान हो गया। मोटरसाइकिल को कार ने लगभग कुचल ही दिया था।
हादसे के दौरान कार का चालक मध्यधुंध अवस्था में था। घटना के बाद मारपीट न हो इस डर के मारे कार चालक ने कार छोड़कर विवाह समारोह में भागना उचित समझा। इस घटना के कारण रास्ते का यातायात बाधित हो गया था, जिसके चलते शहर यातायात नियंत्रण शाखा के पुलिस ने घटनास्थल पहुंचते हुए वाहनों को अलग किया। बाद में टोइंग पथक की सहायता से कार को टोइंग करते हुए यातायात शाखा के कार्यालय में जमा किया गया। इस घटना की आगे की जांच पुलिस कर रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री यशवंत सिन्हा ने उगवा गांव में एक किसान के घर भोजन ग्रहण किया। इस अवसर पर उनके साथ अन्य किसान नेता भी उपस्थित थे। किसानों के लिए खास रूप से आयोजित कासौदा परिषद के लिए अकोला में पधारे पूर्व केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा ने किसी किसान के घर पर ही खाना खाने की इच्छा दर्शाई थी, जिसके चलते उगवा निवासी किसान केशवराव देशमुख के यहाँ उनके भोजन की व्यवस्था की गई थी। अन्य किसान नेताओं के साथ उगवा गांव पहुंचकर पूर्व अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा ने देशमुख परिवार के यहाँ गर्मागर्म खिचड़ी का आस्वाद लिया। किसी किसान के घर खाना खाने के कारण बड़ा ही समाधान प्राप्त होने की बात उन्होंने इस अवसर पर व्यक्त की। बहुत आनंद आया और मैंने अपने मेजबानों को यहाँ कहा था अकोला में कि आज शाम का खाना अगर वो लोग अरेंज कर सके तो हम किसी आसपास के गांव में किसी किसान के घर जाके खाना चाहेंगे। तो यहाँ पर व्यवस्था हुई और काफ़ी सारे लोग जुटे, पंचायत के लोग भी, उनसे भी मुलाकात हुई और बहुत अच्छा लगा यहाँ गांव में आकर और यहाँ के लोगों से, सब लोगों से बातचीत करके। और श्री दत्त जयंती के उपलक्ष्य में डाबकी रोड स्थित श्री स्वामी समर्थ केंद्र में आयोजित महाप्रसाद का लाभ हजारों श्रद्धालुओं ने लिया। डाबकी रोड स्थित श्री स्वामी समर्थ केंद्र में श्री गुरुदेव दत्त की जयंती अत्यंत उत्साह के साथ मनाई गई। श्री दत्त जयंती के उपलक्ष्य में बीते सप्ताह श्री स्वामी समर्थ केंद्र में विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। आज सोमवार को श्री दत्त जयंती के उपलक्ष्य में भव्य महाप्रसाद का कार्यक्रम आयोजन किया गया था। इस महाप्रसाद का लाभ हजारों श्रद्धालुओं ने लिया। महाप्रसाद के लिए परिसर में विशाल मंडप बिछाया गया था। अत्यंत अनुशासित तरीके से हजारों श्रद्धालुओं ने यह महाप्रसाद ग्रहण किया। ईद मिलाद उन्नबी के उपलक्ष्य में शहर में प्रतिवर्ष निकलने वाले जुलूस को इस वर्ष 50 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इस उपलक्ष्य में शहर में भव्य जुलूस निकाला गया। जुलूस कमेटी की ओर से मान्यवर अतिथियों का उचित सत्कार किया गया। अकोला हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अकोला शहर में ईद मिलाद उन्नबी का भव्य जुलूस का 50वां साल बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यह जुलूस अलहाज मुफ्ती अब्दुल रशीद कारंजवीज साहब की सरपरस्ती में जुलूस कमेटी के सदर जनाब हाजी महमूद खां उर्फ हाजी मुदाम भाई की अध्यक्षता में निकाला गया। इस जुलूस में अमरावती परिक्षेत्र के विशेष पुलिस महानिरीक्षक सीएच वाकड़े साहब, जिला पुलिस अधीक्षक एम कलासागर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजयकांत सागर, उप विभागीय अधिकारी संजय खड़से, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अतुल आदे, पुलिस उप अधीक्षक उमेश माने पाटिल, जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष शौकत अली मीर साहब उपस्थित थे। इस जुलूस में हर समाज के गणमान्य नागरिक शामिल हुए थे। जुलूस के दरमियान अकोला जिला पालक मंत्री डॉ रंजीत पाटिल, विधायक गोपी किशन बाजोरिया, डीआईजी सीएच वाकड़े साहब, एसपी कला सागर साहब, विजयकांत सागर साहब, एसडीओ प्राध्यापक संजय खड़से साहब, आरटीओ अतुल आदेश साहब, एसडीपीओ माने, इन सभी अधिकारियों ने मुफ्ती ए बरार अलहाज मुफ्ती अब्दुल रशीद रिजवी कारंजवी और सुन्नत वाले जमाते जुलूस के सदर जनाब हाजी महमूद खां उर्फ हाजी मुदाम साहब का शाल एवं हार पहनाकर सत्कार किया गया और जश्न ईद मिलाद उन्नबी की मुबारकबाद पेश की गई। इस जुलूस में माजी पूर्व विधायक बालापुर के जनाब हाजी नतिकोद्दीन खतीब, महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बबनराव चौधरी, पूर्व मंत्री खान मोहम्मद अजहर हुसैन, भाजपा नेते डॉ अशोक उलंबे पाटिल, मनपा के विरोधी पक्ष नेता साजिद खान पठान, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष राजकुमार मूलचंदानी, मनोहर लाल मल्होत्रा, पूर्व उपमहापौर रफीक सिद्दीकी, महादेवराव हुरपुड़े, एडवोकेट इकबाल सिद्दीकी, हाजी अब्दुल रहमान खान, इसराइल खान, मान खान, हाजी सलीम खान, इस्माइल खान, इशाक लाला, मोहम्मद जावेद तेली, सलीम मुसानी, एजाज पहलवान, शकुर खान लोधी, हाजी गनी भाई मंगलवारा, सलीम सदार गवलीपुरा, जुम्मा चौधरी, यूसुफ भाई रहमान चौधरी, बुढ़न गाड़ेकर, सैयद हारून, गजानन चौहान, नगर सेवक सैयद अलीमुद्दीन, बब्बू भाई निसार खान, हाजी लतीफ खत्री, मोहसिन ठेकेदार,
सिराजुद्दीन कुरैशी, अब्बास खान, नजीब खान, फारूक खान, अनवर खान, नसीरुद्दीन सूफी, काजी शाहबाज खान, हुसैन खान, हिरफान खान, मोइन खान उर्फ मोन्टो अफरोज लोधी, जमील मास्टर साहब, कदीर भाई, मेमन जमात के अध्यक्ष जावेद भाई जकेरिया, शफी सूर्या, सलीम गाजी, वाहिद मुसानी, हाजी मजहर खान, अड्रिक गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जाहिद हुसैन साहब, वायस वाले शब्बीर सेठ, जैनुद्दीन साहब, हाजी जमीर पहलवान, शब्बीर शाह मलक, रिजवान भाई बिल्डर, वजीद खान, अब्दुल खान, समद खान, अजीम खान, यूसुफ शेख कैमरामन, अयूब खान, सद्दाम भाई, फहीम खान, रहमान बाबू, हाजी अनिक अहमद साहब आदि की समवेत सभी मुस्लिम भाइयों इस जुलूस में शामिल हुए थे। इस 50वें साल के ईद मिलादुन्नबी का जुलूस को शांति बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन और महसूल प्रशासन का अच्छा सहयोग रहा। इस समय जुलूस के समापन पर जुलूस कमेटी की ओर से भी पुलिस प्रशासन का स्वागत किया गया। मरज़ी जमा जुलूस कमेटी के अध्यक्ष हाजी महमूद खान उर्फ हाजी मुदाम भाई ने सभी का शुक्रिया अदा किया। आरआरसी न्यूज के लिए हमारे प्रतिनिधि यूसुफ शेख की विशेष रिपोर्ट। ईद मिलादुन्नबी जुलूस कमेटी अकोला के सदर हाजी मुदाम साहब और मुफ्ती अबरार अब्दुल रशीद साहब इनके नेतृत्व में इस साल अकोला जुलूस कमेटी की ओर से ये 50वां साल का ईद मिलादुन्नबी जुलूस बहुत उत्साह से हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया। बहुत शांतिपूर्ण उत्सव में सभी समाज के लोग शामिल हुए और इस उत्सव का आनंद लिया। पुलिस प्रशासन की ओर से मैं सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं और सभी को ईद मिलादुन्नबी की शुभकामनाएं देता हूं। 50 साल गोल्डन जुबली जुलूस अकोले के मुसलमानों ने निकाला और सारी कौमों पे रोशन कर दिया कि हमारा सबसे आला और बाला दिन वो है जिसमें सारे आलम के दुल्हा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। जब हमारा नबी दुनिया में आया तो पैगाम सलामती लेकर आया, पैगाम अमन लेकर आया। हमारे नबी ने दुनिया के अंदर अमन अमान कायम फरमाया। वो अरब की कौम जो जाहिल थी, जो अपनी बच्चियों को पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दिया करती थी, जिनके गुट्टी में शराब पिला दी गई थी, जो कौम सूद खाया करती थी, जो कौम आपस में बरसहा बरस तक लड़ाई किया करती थी, उस नबी ने जब दुनिया में आया तो उस कौम को ऐसा कर दिया जैसे शीरो शकर हो जाते अमल करता है। ये हमारा इस्लाम है। नबी ने इरशाद फरमाया कि अल इस्लाम यालू वला योला। इस्लाम हमेशा बुलंदो बाला रहा, इस्लाम हमेशा गालिब रहा, ये हमेशा गालिब ही रहेगा। इसको कोई भी ताकत इसको मगलूब नहीं कर सकती है। इस्लाम न आज दबा है न कल दबेगा, न सुबह क़यामत तक दबेगा। इसकी आवाज आज भी ऐसी है चंचला कल। अमरावती शहर के यशोदानगर परिसर स्थित एम्बुलेंस कार्यालय को शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग में यह पूरा कार्यालय जलकर खाक हो गया। रविवार की रात 8 बजे के करीब शॉर्ट सर्किट से अचानक यशोदानगर स्थित एम्बुलेंस कार्यालय को आग लगने से लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। बताया जाता है कि यशोदानगर स्थित मिश्रा के निवास स्थान पर ऊपरी मंजिल पर 108 एम्बुलेंस कार्यालय है और बाजू में अक्षय इंगले नामक युवक किराए से रहता है। रविवार की रात 8 बजे के करीब अचानक शॉर्ट सर्किट होने के चलते एम्बुलेंस कार्यालय को आग ने घेर लिया और कुछ ही मिनट में कार्यालय का सारा फर्नीचर, कंप्यूटर व अन्य महत्वपूर्ण कागजात जलकर राख हो गई। घटना की जानकारी दमकल को पता चलते ही तुरंत दमकल की दो गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया, किन्तु इस आगजनी में किसी तरह की जीवित हानि होने के समाचार नहीं है। शहर में मनपा द्वारा चलाई जाने वाली एएमटी बसों की संख्या अपर्याप्त होने के कारण यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इन बस मार्गों पर नए बस स्टॉप निर्माण करने की मांग यात्रीगण कर रहे हैं। अकोला मनपा द्वारा शहर के नागरिकों की सुविधा के लिए 5 शहर बसें आरंभ की गई हैं।
7 लाख की आबादी वाले शहरवासियों के लिए इन बसों की संख्या अपर्याप्त मानी जा रही है। ऑटो रिक्शा की तुलना में शहर बसेस का किराया कम होने के कारण बसों में सफर करने को नागरिक प्राथमिकता दे रहे हैं। इस कारण इन बसों में यात्रियों की खचाखच भीड़ नजर आती है। शहर के जिन रास्तों पर बसें दौड़ती हैं, उन रास्तों पर बस स्टॉप न रहने के कारण नागरिक रास्ते में कहीं भी खड़े रहकर इन बसेस को हाथ देकर रोकने का प्रयास करते हैं। बस स्टॉप निर्धारित न किए जाने के कारण यात्रियों के सामने कहां खड़ा रहना चाहिए, यह सवाल निर्माण हो रहा है। पहले विधायक निधि के तहत इन मार्गों पर बस स्टॉप निर्माण किए गए थे, जिसमें से अधिकांश बस स्टॉप क्षतिग्रस्त हो गए हैं। यह देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए शहर में बस स्टॉपेज का निर्माण करना चाहिए, यह मांग नागरिक कर रहे हैं। मनपा में नए आयुक्त न आने के कारण मनपा का प्रशासकीय कामकाज ठप पड़ा है। 20 दिन के बाद भी महापालिका में नूतन आयुक्त दाखिल नहीं हो पाए हैं, जिसके चलते मनपा सर्कल में विविध अटकलों का दौर चल रहा है। महापालिका आयुक्त अजय लहाने का तबादला विगत 10 नवंबर को हुआ था। कार्यमुक्ति के इस आदेश में ही नूतन आयुक्त के रूप में मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण के उपजिलाधिकारी जितेंद्र वाघ की नियुक्ति किए जाने का उल्लेख था, लेकिन अब लगभग 3 सप्ताह होने को है और न तो जितेंद्र वाघ महापालिका में पहुंचे और न ही इस मामले में कोई खोज खबर मिल रही है। इस दौरान महापालिका का कामकाज बिल्कुल ही ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि किसी भी विषय पर निर्णय नहीं हो रहा है। स्थिति यूं ही बनी रहेगी जब तक नूतन आयुक्त महापालिका में दाखिल नहीं हो जाते। हालांकि प्रभारी उपायुक्त डॉ. प्राध्यापक संजय खड़से विभाग प्रमुखों से कामकाज का जायजा ले रहे हैं, लेकिन महापालिका के अधिकारियों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी जायजा बैठकों में वे कौन सी जानकारी प्रस्तुत करें। मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण के उपजिलाधिकारी जितेंद्र वाघ से इस विषय पर बात करने पर उन्होंने कुछ दिन पूर्व यही कहा था कि वे अपने विभाग से अभी कार्यमुक्त नहीं किए गए हैं। सवाल यह है कि उन्हें कब कार्यमुक्त किया जाएगा। इस विषय पर कोई आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हो पाई है कि महापालिका में आयुक्त के दाखिल होने की क्या स्थिति है, लेकिन अकोला मनपा में आयुक्त का पद रिक्त होने से शहर विकास के कामों में जहां रोड़ा अटका हुआ है, वही पदाधिकारियों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। दत्त जयंती के उपलक्ष्य में वाड़ेगांव के समीपस्थ भरतपुर के प्रसिद्ध दत्त मठ की ओर से दत्त प्रभु की पालकी निकाली गई, जिसका गांव में जगह जगह स्वागत किया गया। वाड़ेगांव के समीपस्थ श्री गुरुदेव दत्त प्रभु के मठ की परंपरा 300 वर्ष पुरानी है। पूरे भारत वर्ष में प्रथम माहौर संस्थान के बाद दूसरे नंबर पर भरतपुर स्थित दत्त प्रभु के मठ का नाम आता है। यहां 14 समाधियां हैं। दत्त संप्रदाय के 14 साधु पुरुष एवं स्त्री साध्वियों ने यहां जिंदा समाधियां लेने का इतिहास है। इन समाधि स्थलों का जीर्णोद्वार दत्त संप्रदाय मंडल, महिला मंडल तथा ग्रामस्थों ने किया है। दत्त जयंती के उपलक्ष्य में दत्त संप्रदाय मंडल की ओर से भव्य पालकी समारोह का आयोजन किया गया था। पूरे पालकी मार्ग पर गांव की महिलाओं ने आकर्षक रंगोलियां निकालकर पालकी की पूजा अर्चना की। पालकी में बड़ी संख्या में पुरुष, महिला एवं बच्चे मंडली उपस्थित थी। पूरे पंचक्रोशी के श्रद्धालुओं ने दत्त जयंती के उपलक्ष्य में दर्शन लेने हेतु यहां भीड़ की थी। यह दत्त जयंती समारोह समस्त भरतपुर वासियों के लिए दसरा दिवाली से बड़ा त्योहार माना जाता है। इस तरह की जानकारी गांव के नागरिक ने दी। फार जुनी कहानी है, म्हणजे जवळपास 300 वर्ष पूर्ण म्हणजे पूर्वीचा या दत्तमठाच्या या ज्या जुन्या समाध्या होत्या ह्या जिवंतपणे समाध्या घेतलेल्या आहेत, आणि याच्यात म्हणजे 14 समाध्यामध्ये एक स्त्री साध्वीनी सुद्धा समाधी घेतलेली आहे। हे विशेष म्हणजे 300 वर्षापूर्वी सुद्धा इथं म्हणजे स्त्रियांना मान सन्मान या आनंद संप्रदायामध्ये देण्यात येत होता, आणि आज इतक्या वर्षानंतर त्याची थोडीशी पडझड झाली होती, त्या पूर्ण समाधांचा जीर्णोद्धार करत आम्ही याला नवीन रूप दिलं, आणि ह्या ज्या जिवंत समाध्या आहेत ह्या आजही आपलं जिवंतपणाची साक्ष देत असतात। अंत में एक नजर राजकीय सुर्खियों। किसानों के लिए इंसाफ को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर धड़के किसान। सस्ते में सोना देने का लालच देकर ठगने वाली टोली गिरफ्तार।
एम्बुलेंस व ट्रक के बीच भिड़ंत, चार की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए महापौर ने आयोजित की बैठक। राजस्व विभाग की कार्रवाई में 4 मोटरबोट समेत पोकलेन मशीन जब्त। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।